क्या आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड मैनेज नहीं रहता? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि आप बहुत सारी बीमारियों को किस तरह से इकट्ठा क्योर कर सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करने से आप जो है अपनी तमाम बीमारियों को टैकल कर सकते हैं। आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ वो मेरे पास है एलोवेरा जेल और एलोवेरी नेक्टर, दोनों फॉर एवर के हैं। और अगर इनके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इनके बेनिफिट्स बेतहाशा हैं। अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म की बात करें, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी को बिल्कुल नहीं लगता, वो बहुत स्लिम स्मार्ट होते हैं और हम उनको देख के अक्सर जेलस हो रहे होते हैं कि इनको क्यों नहीं लग रहा, ये मोटे क्यों नहीं हो रहे। उनकी बॉडी का जो एक होता है कह लें बेनिफिट, वो ये होता है, या जो एक हिडन राज होता है वो ये होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कुछ भी नहीं खाते फिर भी उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या सिर्फ खाने के पास से गुजरने से ही उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अब मेटाबॉलिज्म को फास्ट किस तरह से किया जाए? अगर आप एलोवेरा जेल का डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं बल्कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, अगर वो डेली बेसिस पे फॉरएवर की एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें तो उनका वज़न बहुत आसानी से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। पीपी का शिकार जो लोग रहते हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल मैनेज नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल अब बॉडी में दो तरह का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एलोवेरा जेल जो है वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को अटैक करती है और उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करती है। अब अगर हम देखें हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, निकल जाते हैं, बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते चले जाते हैं, इसी में ही हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं। अब उन कैंसर सेल्स से हम किस तरह से बच सकते हैं? अगर हम अपनी बॉडी में डेली एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें तो उससे होता क्या है, एलोवेरा जेल हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी की क्लेंजिंग करना शुरू करता है। हमने स्किन की क्लेंजिंग तो हमेशा करते ही हैं तो क्यों ना अपनी बॉडी की क्लेंजिंग भी की जाए। एलोवेरा जेल हमारी बॉडी में जाते ही क्लेंजिंग स्टार्ट करता है जिसमें वो हमारे स्टमक को क्लीन करता है, खाना उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको क्लीन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत बड़ी होती है, अगर हम देखें तो वो फोल्ड होके अल्लाह ताला ने बहुत छोटे से एरिया में उसको जो है वो संभाला हुआ है, लेकिन अब जब वो पाइल्स एक दूसरे पे आते हैं तो वो किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो अगर प्रॉपरली क्लेंज नहीं होंगे खाना जमता चला जाएगा, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। हम हर दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक ट्राई कर रहे होते हैं, इससे बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। अगर आपकी बोन्स वीक हैं, आपके मसल्स वीक हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल करें। अगर हम देखें ओवरऑल तो इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि मैं उनको अगर एक लाइन में लिखना शुरू करूं तो शायद मुझे उसको प्रॉपर टाइम लाइन लाइक नंबर्स मार्क करके करना पड़ेगा। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, टूथ इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बीपी को भगाता है, शुगर कंट्रोल करता है, हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। आइदर हम वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, हम किस तरह से एलोवेरा को इस्तेमाल करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, अब उसके साथ एलोवेरा जेल तो हो गई, अब एलोवेरी नेक्टर क्या चीज़ है, क्यों उसको मैं जो है वो अलग से स्पेसिफाई कर रही हूँ? जहाँ मैंने एलोवेरा के इतने सारे बेनिफिट्स बताए हैं वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एलोवेरा में एडिशनल जो है वो हमारे पास कैनबेरीज और एप्पल को ऐड करके उनका जूस ऐड करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। अब इस प्रोडक्ट के साथ अगर हम दोनों को यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं? अब मैंने बता दिया एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स हैं, अब हमारी बॉडी में कैनबेरी के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये एप्पल के क्या हो सकते हैं? हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कैल्शियम की जो डिफिशेंसी होना शुरू हो जाती है ये उसको पूरा करते हैं। कैनबेरीज में अल्लाह ताला ने वो इफ़ेक्ट्स रखे हैं जो कैंसर सेल्स बॉडी में पूरा साल पड़े रहते हैं, बॉडी से फ्लाश आउट नहीं हो पाते, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी से फ्लाश आउट हो जाते हैं। अगर हम इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी डेली लाइफ में तो ये फ़ायदे भी हमें मिलेंगे और उसके साथ हम बहुत ईजीली अपना वेट लॉस करना शुरू कर देंगे और बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव वेट लॉस हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।